राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है दादाजी का ढाबा में। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए एकदम आसान तरीका है नाश्ता बनाने का, वो भी ब्रेड से हम बनाएंगे। बहुत सारे दोस्त खा भी चुके होंगे और बहुत सारे दोस्त नहीं भी खाए होंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है, इसका नाम है दही के सोजे। तो आप इसको सुबह शाम कभी भी बना के खा सकते हैं और इसमें तेल बिल्कुल ही अब्जॉर्ब नहीं होता है, हमारे तरीका से बनाएंगे तो। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दही के सोजे। तो चलिए चलते हैं बनाने। दही के सोजे बनाने के लिए हमने क्या किया दिया है वो आपको दिखा देते हैं। एक शिमला मिर्च है, एक प्याज है और हरी मिर्च, पांच हरी मिर्च दे देंगे हम, पांच हरी मिर्च है और धनिया पत्ता जितना आप देना चाहें उतना दे सकते हैं। और यहीं पे हम आधा किलो दही को इसका पानी हम निकाल दिए हैं। आधा घंटा पहले हमने इसको हैंग कर दिया था ताकि इसमें से बढ़िया से पानी निकल जाए। तो इसको अभी हम रख देते हैं। सबसे पहले इसको हम बारीक बारीक काट देते हैं, हरी मिर्च को, धनिया पत्ता को, प्याज को, शिमला मिर्च को, आपके पास गाजर भी हो तो गाजर भी डाल सकते हैं और बारीक बारीक करके मटर भी डाल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो हमारे पास है हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता, उसको हम धो के बढ़िया से बारीक बारीक काट देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। प्याज को भी हम बारीक बारीक काट दिए हैं, हरी मिर्च को भी हम काट दिए हैं बारीक बारीक, धनिया पत्ता भी बारीक बारीक काट दिए हैं और शिमला मिर्च भी बारीक बारीक काट दिए हैं। ये सारों को हम डाल देंगे हंग्ड दही में। आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। यहीं पर डाल देंगे आधा टीस्पून काले मिर्च। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। आपके पास पनीर हो तो पनीर भी डाल सकते हैं, गाजर है तो गाजर भी डाल सकते हैं। ये हमारा फिलिंग तैयार हो गया है। तो हमारे दही के सोजे की फिलिंग बन के तैयार हो गई है, इसको रख देते हैं। अब चलते हैं ब्रेड को हम सॉफ्ट कर देने और इसको भरेंगे। कोई भी आप बड़ा ब्रेड दें, कि हमारे गांव में कोई बड़ा ब्रेड नहीं मिलता है, यही ब्रेड मिलता है मक्खन मलाई, तो इसी से हम बना रहे हैं। वहाँ पे हार्वेस्ट का, ब्रिटेनिया का बड़ा बड़ा ब्रेड मिलता है, उससे फोल्ड करने में आसान होता है। तो आप बड़ा ब्रेड दें और इसको बढ़िया से पन्नी को फाड़े, हमने गलत फाड़ दिया है पन्नी को, ये पन्नी को सीधा फाड़ के रखना होता है ताकि हम इसमें आसान से इसी पर रख के हमें भरना होता है। तो देखिए हम ब्रेड दे दिए हैं, इसके लिए ब्रेड एकदम ताज़ी होनी चाहिए। तो इसको हम पहले प्रेस करेंगे हल्का हल्का हाथों से। आप चाहे तो इसका कॉर्नर ये जो ब्राउन ब्राउन है उसको काट भी सकते हैं और इस तरह से हम कर देंगे। और इस पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे चारों तरफ, क्योंकि हमें थोड़ा पतला हो जाने के बाद फोल्डिंग बढ़िया से होता है। दूसरे ब्रेड पर भी हम प्रेस कर देंगे बेलन से इस तरह से कि बढ़िया से बैठ जाए। इससे दो फायदा होता है। एक तो फायदा ये होता है कि जो इसमें जो गैप होता है वो गैप ख़त्म हो जाता है, तो जब हम फ्राई करते हैं तो इसमें तेल नहीं जाता है, तो इस वजह से हम इसको बेलन से चिपका देते हैं। ये देखिए इसको डेढ़ पे रख देंगे इस तरह से, देखिए इतना इतना पे हम रख देंगे इसे। और अब एक चम्मच हम फिलिंग निकालेंगे और फिलिंग को हम यहाँ डाल देंगे। उधर से हम इस ब्रेड को हम फोल्ड कर देंगे यहाँ पे और अब इसको हम मोड़ते जाएंगे। देखिए इधर से हम मोड़ते जाएंगे इस तरह से और ये फोल्ड होता जाएगा इस तरह से। और एक को आगे की तरफ, एक को पीछे की तरफ हम इस तरह से करेंगे, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, ये देख सकते हैं पूरा एकदम टाइट हम मोड़ेंगे इस तरह से और फिर इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए हमारा पहला पीस बन के तैयार हो गया है। एक पीस का हमने कॉर्नर बिना काटे ही आपको बना के दिखाया था और अब दूसरा पीस आपको हम कॉर्नर काट के दिखा रहे हैं। अब इसको हम प्रेस कर देते हैं, हल्के हाथों से करेंगे पहले कि इसका छेद बिल्कुल बंद हो जाए, जितना इसमें छेद हो छेद ख़त्म हो जाए। अब देखिए हमने एक को तो कर दिया, अब दूसरे पीस को भी इसी तरह हम कर देंगे। उसी ब्रेड के पन्नी पे मैं पहला पीस को रख दिया हूँ और इसको हम इतना पे गैप पे देख लीजिए कितना गैप पे हम रखे हैं, इतना गैप पे रख देंगे और इसको एक बार हम यहाँ से प्रेस कर देंगे कि ताकि ये बढ़िया से चिपक जाए। देख रहे हैं
इसी पे हम हल्का हल्का सा ब्रश में पानी लगा देंगे। हाथों से छिड़क ले तो हाथ से मतलब बढ़िया नहीं होता है, तो ब्रश से लगा दे पानी और इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि एकदम बिल्कुल ही चिपक जाए। देखिए बिल्कुल बढ़िया से चिपक गया है। अब इसी पे जो हम फिलिंग बना रखे हैं वो लगा देंगे। ये देखिए यहीं पर रखेंगे हम फिलिंग को दूसरा वाला ब्रेड के ऊपर और इसको यहीं से हम फोल्ड कर देंगे। देखिए ये, और फिर हम इसको फोल्ड करते जाएंगे हाथों से कर दें। इसको हम पीछे कर देंगे यहाँ पे और फिर पन्नी को हम फोल्ड करेंगे। तो पन्नी को हम एकदम अंदर लेके जाएंगे, पहले ये पन्नी को हम बिल्कुल अंदर ले जाएंगे और इस तरह से इसको घुमा देंगे पूरा रोल घुमा दिए। अब हमारे पास दोनों हाथों में आता है तो एक को हम इधर बैठेंगे और दूसरे को इधर अपोजिट साइड और एकदम बढ़िया से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए बढ़िया से। ये देखिए इस तरह से हम प्रेस करेंगे। अभी आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये देखिए ये वाइट वाला कैसे बना हुआ है। तो इसी तरह हम सारा बना देते हैं। दही के सोजे की चटनी बनाने के लिए हम धनिया बहुत सारा लिए हैं, एक आम लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए हैं, 3 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिए हैं। अगर आपके पास आम नहीं है तो आप टमाटर डाल सकते हैं और इस समय आम का सीजन चल रहा है, इस वजह से आम की भी चटनी दही के सोजे में बहुत टेस्टी लगेगा। यहीं पर इमली की चटनी बनाने के लिए हम चूल्हा जला लिए हैं। पहले चटनी बना देते हैं फिर हम दही के सोजे बनाएंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए हम कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसी में हम पानी डाल देंगे। आपको जितना बनाना हो उतना बनाए, हम थोड़ा ही चटनी बना रहे हैं। यहीं पे हम 10 बीज इमली का पानी में भिगो रखे थे और इसका हम जितना ये छिलका होता है, रेशा होता है, बीज होता है, वो सारा निकाल देते हैं मसल के, तो इसी में डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो रहा है। यहीं पर हम इमली की चटनी बनाने के लिए 1 टीस्पून लाल मिर्चा दिए हैं, 1/2 टीस्पून हम सौंफ दिए हैं और 1/2 टीस्पून नमक दिए हैं, तो इसको इसी में हम डाल देते हैं। तो हम सबसे पहले हम पानी खौला देते हैं चटनी के लिए। पानी हमारा खौल गया तो यहीं पे हम गुड़ डाल देते हैं। आप चीनी भी डाल सकते हैं इसके बदले। इधर जब तक हमारा गुड़ घुल रहा है तब तक अरारोट में हम पानी डाल देते हैं। तो 1 टेबल स्पून हम अरारोट दिए हैं और यहीं पे हम 1 पिंच फूड कलर देंगे, क्योंकि हम बाज़ार में जो इमली की चटनी खाते हैं उसमें फूड कलर डाला होता है, और यहीं पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इस फूड कलर पे और इसी के साथ इसको हम मिला देंगे। फूड ये अरारोट डालने से चटनी गाढ़ी हो जाती है। आप चाहें तो थोड़ा गुड़ ज़्यादा बढ़ा के भी डाल सकते हैं तो भी आपकी चटनी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा 1 चम्मच, अगर आपकी ये अरारोट डालने के बाद भी आपकी चटनी अगर पतली होती है तो आप खोलने के बाद या इसको डालने के बाद और भी थोड़ा सा अरारोट डाल सकते हैं। तो देखिए बढ़िया से खोल गया है। इमली का जूस निकाल रखे थे वो डाल देते हैं बीज छिलका बजा के, तो बीज छिलका इसमें नहीं जाए, नहीं तो आप किसी से छान के भी डाल सकते हैं। अब ये खोलते ही हमें अरारोट डालना होगा। खोलते हुए मैं इसको डाल दें और इसको आप चलाएंगे तो आपका चटनी गाढ़ा हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दे सकते हैं और कम गाढ़ी हुई तो इसमें थोड़ा सा अरारोट घोल के डाल सकते हैं। अब देख रहे होंगे चटनी हमारी कितनी मस्त बन के तैयार हो गई है। हमने हरी चटनी भी पीस लिया है और हमारी इमली की चटनी ही बन के तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं दही के सोजे फ्राई करने। कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं। दही के सोजे फ्राई करने के लिए तेल हमारा मीडियम से ऊपर होना चाहिए और हाई से नीचे रहना चाहिए ताकि इसमें तेल ना पी सके। अगर आप लो फ्लेम में डाल देंगे तो बिल्कुल इसमें तेल पी जाएगा। तो हमारा तेल अब मीडियम से हाई हो गया है। इसको ट्राई करके देख लेते हैं एक पीस डाल के। देखिए दोस्तों हमारा सारा ये दही के सोजे बन के तैयार हो गए हैं। अब फ्राई करना शुरू करते हैं। दो दो पीस डालेंगे इसमें और इसको थोड़ी देर में अलचेंगे पलटेंगे, फटाफट नहीं अलचेंगे पलटेंगे। अच्छी तरह इसको अलट पलट के हम बिल्कुल क्रिस्पी बना देंगे। तो अब हम निकाल देते हैं, ये बढ़िया सा क्रिस्प हो गया है। और इसी तरह सारा हम ब्रेड के सोजे बना लेंगे। ये देखिए हमारा दही के सोजे बन के तैयार हो गए हैं। अब एक चीज़ बाकी है, चटनी हमने पीस लिया है, इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है।
बस हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। उधर हमारी खट्टी चटनी भी इमली की बनकर तैयार हो गई है। आम की भी चटनी हरी तैयार हो गई है। तो देखिए हमारे सोजे बन के दही के तैयार हो गए हैं। अब आपको सर्व करके हम दिखा रहे हैं। तो सर्व कर देते हैं, तो यहीं पर चटनी हम डाल देते हैं। हरी चटनी तो हम डाल दिए हैं और लाल चटनी डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त हमारा दही का सोजा बना है, और उसके साथ हमने आम की चटनी बनाई है और इमली की भी चटनी घर पे ही बनाई है। तो पूरा सेट हमारा दही के सोजों का बन के हो गया है तैयार। तो आपको हम काट के दिखाते हैं कि ये कितना लजीज बना हुआ है। देखते हैं कितना क्रिस्प है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और ये देखिए हमारे, तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना क्रिस्प बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और अंदर से देखिए कि किस तरह से सॉफ्ट है, बिल्कुल देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा चटनी और दही के सोजे बन के हो गए हैं तैयार। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। हमारा आईडी है लालाजी का ढाबा। और हमें कौन कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनानी है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।